नमस्कार दोस्तों, मैं स्पोर्ट्स क्लब के लिए परशुराम चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के जो मैच होने वाली है आईपीएल का, शायद फोर्थ या फिफ्थ मैच है। तो दोस्तों, ये जो मैच होने वाला है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मतलब इसमें जो प्लेयर्स हैं इनकी, जो लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं, ड्रीम इलेवन टीम फैंटेसी टीम हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये टीम्स किस तरह से बनानी चाहिए, क्या मतलब इसमें हम प्लेयर ले सकते हैं, कौन से प्लेयर ले सकते हैं, तो हम यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऑल मतलब बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का आपको सबसे पहले पता चले। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं किस तरह से आज की टीम में प्लेयर ले सकते हैं, मतलब आज के मैच के प्लेयर किस तरह से हम चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो टीम मैंने बनाई है उसी के हिसाब से आप भी अपनी टीम बना सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, आप आज के जो मैच है उसमें आप लोग अगर टीम बना रहे हो तो इस हिसाब से टीम बना सकते हो। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से आपको 6 प्लेयर लेने पड़ेंगे और राजस्थान की ओर से आपको 5 प्लेयर लेने चाहिए आज के मैच में। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाते हो। तो दोस्तों, जो प्लेयर्स हमको लेने हैं उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के जो 5 प्लेयर हम लेने वाले हैं वो प्लेयर कौन से हैं और किस तरह के हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की ओर से फर्स्ट प्लेयर हमारे हैं जॉर्ज बटलर, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, अच्छे खासे बैटिंग कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जब चलते हैं, मतलब इनका जब बल्ला बोलता है तो ये अकेले अपने दम पे मैच विनर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जॉर्ज बटलर को हम अपने टीम में ले लिए हैं, आप भी ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर हमारे, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन ही है, जिन्होंने पिछले मैच में एक बढ़िया सा शतक मार के, हालांकि अपने टीम को लास्ट में नहीं जीता पाए, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, जो संजू सैमसन, आपको पता है ये किस तरह के बल्लेबाज है और विकेट कीपिंग करते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर आपको लेना चाहिए रियान पराग, जो पिछले मैच में अच्छी खासी बॉलिंग भी की है और अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 27-28 रन की पारी भी आपके सामने खेली हुई है, आपने सबने देखा होगा। तो दोस्तों, इसलिए रियान पराग को भी आज की टीम में लेना चाहिए। और उसके बाद ऑलराउंडर में क्रिस मॉरिस, दोस्तों आपको पता है कि क्रिस मॉरिस आईपीएल के 14वें संस्करण में सबसे बड़े महंगे, मतलब सबसे महंगे प्लेयर्स खरीदे गए हैं। तो दोस्तों, और वैसे भी ये बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, ये जो प्लेयर है ये अच्छी बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो इनको टीम में रखना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है नेक्स्ट प्लेयर चेतन सकारिया, दोस्तों ये डोमेस्टिक प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले मैच में इन्होंने किस तरह की बॉलिंग की है, क्या इनके पास वेरिएशन है और क्या नहीं है, आप सबने देखा है, तो इस वजह से हम चेतन सकरिया को भी लेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे जो हमको दिल्ली कैपिटल्स के 6 प्लेयर चुनने हैं, तो वो कौन से हैं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से फर्स्ट प्लेयर विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जिनका बल्ला बोला था सबसे ज़्यादा वो ऋषभ पंत। उसके बाद इंग्लैंड जब अपने मतलब भारत में आकर खेल रही थी उस टाइम भी ऋषभ पंत का सबसे ज़्यादा बल्ला बोला है। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप देख समझ सकते हो कि ऋषभ पंत यह प्लेयर किस तरह के हैं, तो इसलिए हम ऋषभ पंत को भी ले लेंगे और आपको भी लेना चाहिए आज के मैच में। उसके बाद आपको प्लेयर लेना है नेक्स्ट प्लेयर शिखर धवन,
दोस्तों आप जानते हो शिखर धवन किस तरह के बल्लेबाज है, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छे खासे रन बनाए हैं। उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में जो ओडीआई हुआ था, वनडे मैच हुए थे, उसमें भी शायद दो मैच में अच्छे खासे रन बनाए हैं। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन अच्छे खासे बनाए हैं, किसी तो भी मैच में बनाए हैं। तो दोस्तों ये अगर चल पड़ते हैं तो आपको पता है ये भी अच्छे खासे बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर आपके पृथ्वी शाह। दोस्तों पृथ्वी शाह की अभी हाल ही की बल्लेबाजी ले लीजिए, जिन्होंने अगले मैच में पिछले मैच में 72 रन्स बनाए थे। 72 ही बनाए थे शायद। तो दोस्तों आप समझ सकते हो 72 कितने जल्दी में बनाए थे और किस तरह से बनाए थे। तो इसलिए पृथ्वी शाह को भी आज के टीम में लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर मार्कस स्टोइनिस जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम में मार्कस स्टोइनिस आपको पता है कि किस तरह के बल्लेबाज और किस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह के ऑलराउंडर हैं आपको पता है। मार्कस स्टोइनिस एक बढ़िया ऑलराउंडर है जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, और सिर्फ बॉलिंग करते नहीं बल्कि अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों इस वजह से मार्कस स्टोइनिस को भी आप लेना चाहिए आज के टीम में। और नेक्स्ट प्लेयर आज के मैच में लेना चाहिए रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों ये भारत के सबसे बढ़िया स्पिनर है, आप जानते हो अनिल कुंबले के बाद अगर कोई है तो वो है रविचंद्रन अश्विन, सबसे बढ़िया स्पिनर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इन्होंने किस तरह से हंगामा मचाया था अक्षर पटेल के साथ मिलके। तो इस वजह से अश्विन को भी हम भी रखते हैं और आपने भी रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कगिजो रबाडा तुम्हें पता है, मतलब आप सबको पता है कि किस तरह के प्लेयर है, क्या है इनमें वेरिएशंस है, किस स्पीड से बॉलिंग करते हैं, ये आप सब जानते हो। और अच्छी खासी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये अच्छे खासे शॉट्स भी लगा सकते हैं लास्ट में। तो दोस्तों इसीलिए हम इनको भी लेंगे। तो दोस्तों ये है आज की हमारी टीम, इस तरह से आप अपनी टीम भी बना सकते हो और इसी टीम के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रजा लेना चाहूँगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।